so hello my dear friends I hope you all are doing very good so this video is going to be very very important last few days are left in the examination and we are going to talk about CUT PG economics okay entrance examination upcoming examination so please mind it very well your video coffee important please don't ignore it please watch it till end because we are going to discuss how to approach in the examination hall and how to cover entire syllabus within few days how you can revise how you can optimize Score. So all these things we are going to discuss in this video. So let us start without any delay. And in between, if you have not subscribed the channel, please subscribe it. And please download the Navinomic apps. Apps link is given below for all kind of course detail, free lectures, so many free content, free PDFs are there. All course details, 23 batch, 24 batch, everything is there. So please guys download it. And let us start here. So <coughs> our first topic is microeconomics. I found that microeconomics had 10 plus questions the in last year. Okay. सो इफ देर इ टेन प्लस क्वेश्चन सो यू हैव टू वेरी मच केयरफुल एंड इवन द सिलेबस सिंस बिगनिंग आई हैव बिन टेलिंग यू फॉर लास्ट थ्री मंथ्स एंड सिविल सिलेबस इवन हैव कटेगराइज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन थ्री पोर्सन फर्स्ट इज कंज्यूमर थियरी डिमांड आपको पढ़ लेना है ऑल काइंड ऑफ डिमांड हो गए जो भी हैं डिमांड के फीचर्स हो गए डिमांड फंक्शन हो गए फिर उसमें कुछ एक्सेप्स हैं इन्फेयर गुड है वेबलन गुड हैं बैंड वैगन इफेक्ट हैं लास्ट टाइम बैंड वैगन इफेक्ट आया था राइट right? तो दिस टाइम दे कैन आस्क स्नोब इफेक्ट सो रेडी सच काइंड ऑफ थिंग्स फिर यूटिलिटी है टाइप्स ऑफ यूटिलिटी है कितने प्रकार के कर्व होते हैं इन कर्व है ऑल काइंड ऑफ इन कर्व कव यू नो कुछ एल सेफ है कुछ परफेक्ट सब्टीच्यूट का केस है तो यू कैन सी दैट कहाँ पे कॉर्नर इक्विलिब्रियम बनेगा कहाँ पे कॉन्केव टू ओरिजिन कहाँ पे कॉन्वेक्स टू ओरिजिन रिविल प्रेफरेंस में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कि दिया था रिविल प्रेफरेंस आप कमेंट सेक्शन बिलो करिए हु गेव रिविल प्रेफरेंस एंड व्हेन इट वाज इन्वेंटेड शार्क क्या होता है बेसिक पता होना चाहिए वाट इज शार्प वाट इज वार्प वाट आर द एजमस ऑफ रिविल प्रेफरेंस दैट्स इट फिर कंज्यूमर सरप्लस है कंज्यूमर सरप्लस में यू शुड नो दैट कि मार्जिनल विलिंगनेस टू पे आपका कितना है और रिजर्वेशन प्राइस क्या है अगर रिजर्वेशन प्राइस और विलिंगनेस टू पे अगर दोनों इक्वल हो गया देन देर इज ए नो कंज्यूमर प्लस देर इज जीरो कंज्यूमर सरप्लस सो सच थिंग यू शुड नो इफ देर इज दैट मीन्स रिजर्वेशन प्राइस इज रिजर्वेशन प्राइस इज योर रिजर्वेशन प्राइस इज लेसर देन विलिंगनेस टू पे और हाउ मच यू पे हियर विलिंगनेस टू पे मीन्स हियर लेट मी जस्ट करेक्ट इट see reservation price is nothing but how much you can willingness to pay how much you can pay and the real price so real price if real price and your willingness to pay both are same then there is a zero consumer surplus so look, please mind it uh, you might get complex idea but just i simplified it i may be wrong in the beginning but just here i put the clear idea but if your

दैन कम्स मार्केट मार्केट में आपको आई डोंट थिंक की यू शुड डू ऑल दिस थिंग बिकॉज इनके पोर्शन काफ़ी कम होते हैं सो आई वुड से विद इन फ्यू जस्ट टू आवर्स डिवाइड फ्यू टॉपिक्स मार्केट्स इंटू जस्ट मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गए मोनोपोलिस्टिक हो गए ओलीगोपोली के टाइप्स हो गए परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो गए एंड बेसिक थोड़ा सा आप वेलफेयर पैरेटो वगैरह देख लेना क्योंकि ये फेवरेट रहे हैं क्या रहते हैं क्रिएटेरिया प्रोडक्शन मिक्स वगैरह का एफिशियंसी कैसे निकालते हैं ठीक है वो एम आर एस वाला जो है एम आर एस ए बराबर एम आर एस बी बराबर ओके okay. फिर इसमें ये हो गया हमारा कंजम्पशन का फिर एम सी एक्स अपॉन एम सी वाई जो होता है टू गुड्स ले लेंगे प्रोडक्शन का हो गया फिर मिक्स कर देंगे तो ये हमारा एम आर टी के बराबर होगा राइट सो दिस थिंग्स यू कैन सी दैट पेरेटो एफिशिएंसी के टू फीचर्स होते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए टेंजेंट होना चाहिए कर्व तो ये सब सारे बुक्स में आपको एचल में सब कुछ मिल जाएंगे यस एचल होजा में ईच एंड एवरी थिंग यू विल गेट और गूगल यू कैन टेक द हेल्प तो दिस डिटेल्स आई जस्ट टॉक्ट अबाउट द माइक्रो विद इन टू मिनट्स आई विल बी जस्ट डिस्कसिंग मनी बैंकिंग एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ओके तो रिगार्डिंग मैक्रो नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज मस्ट एटलीस्ट टू क्वेश्चन आई हैव सीन एवरी ईयर सिंस लास्ट फ्यू ईयर दे आर आस्किंग इनफैक्ट सी दिस इज सी ऊटी अर्लियर इट वॉज सू सी ईट ईवन सी यू सी ई टी लिए सिलेबस सेम था नो कोड नैम हैज बीन चेंज टू नॉट टेन अर्लियर इट वॉज फोर्टी फोर बट सिलेबस इज सेम नो नू वरी कि सर सिलेबस तो बदल गया नो नो सिलेबस हैज नॉट बीन चेंज डोट इट टू वरी तो हम आगे बात करते हैं ओके नो थिंग इज दैट की हियर दे हैव रिटन नेशनल इनकम इट्स फाइन यू हैव डन बट इन इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन ना वैन देर इज अ इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन सो यू हैव टू सी एवरीथिंग फ्रॉम वेयर आउटपुट इज डिटर्मिन एंड वाट आर इट्स सोर्सेज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दे हैव रिटन बट येव टू ऑल्सो सी द एग्रीगेट डिमांड ऑफ वॉट कंसियन क्लासिकल मोनेट्रिस्ट ऑल दिस थी स्कूल्स यू हैव टू सी एंड अफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल दैट मीन्स की कोर किन्सियन यहाँ पे पूछ रहे हैं सो किन्सियन का मल्टीप्लायर आ जाएगा <coughs> मल्टीप्लायर के फीचर्स आ जाएंगे बैलेंस बजट मल्टीप्लायर आ जाएंगे एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट एटलीस्ट गूगल और बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए दिस इज द बेस्ट आई कैन टेल यू ठीक है डोंट स्ट्रिक्ट योर सेल्फ एग्रीगेट डिमांड लिखा हुआ है एंड ओनली क्लासिकल एंड कैंसिल लिखा हुआ है तो वी शुड नो एटलीस्ट ऑल जो सिक्स सेवन स्कूल ऑफ थाउट्स हैं बेसिक आइडिया होना चाहिए मोनेटिस्ट के क्या फीचर थे न्यू क्लासिकल के क्या फीचर थे Uh, फिर लूकस जो अभी उनका डेथ हुआ न्यू क्लासकल्स का उन्होंने रेशनल एक्सपेक्टेशन को कैसे डिफेंड किया था फिर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या है फिलिप्स कर्व क्या है ऑल दीज आर द इनफेट सम वाट पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दैट ओनली देन कम्स मनी एंड इन्फ्लेशन तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी डिमांड और सप्लाई आपको पता होना चाहिए एम एस बराबर एम डी होता है फिर एल एम करव डिवेशन होगा मनी सप्लाई मनी डिमांड कैसे एल वन प्लस एल टू होता है डिफरेंट डिफरेंट वो जो किन्स का फीचर है किन्स में भी डिफरेंट ने दिया था कुछ स्पेकुलेटिव मोटिव था कुछ ट्रांजेक्शनरी मोटिव था प्रिकॉशनरी मोटिव था तो यू शुड नो जस्ट बेसिक फिर हाई पावर्ड मनी है हाई पावर्ड मनी क्या होता है बेस मनी जिसको बोलते हैं ये वाला जो डायग्राम बनता है राइट right? दिस वाला डायग्राम सो दिस डायग्राम यू शुड नो क्लियर आपका यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पे बेस होगा आई थिंक ठीक है यहाँ से आपका ये एरिया एक मिनट सॉरी तो यहाँ जो आपका बेस बनेगा दैट मींस दिस इज योर बेस बेस मनी दैट इज की टोटल करेंसी विद द पब्लिक एंड टोटल रिजर्व एंड दिस विल क्रिएट द टोटल मनी टोटल मनी इन द इकोनॉमी कितना है सो दैट विल बी भी एज मट्टी मल्टीप्लायर टोटल मनी इज इक्वल टू मनी मल्टीप्लायर इन टू हाई पावर्ड मनी बेस मनी इज ऑल्सो नॉन एज हाई पावर्ड मनी सो दिस थिंग्स यू शुड नो देन यू विल हैव फिलिप्स कर फिलिप्स का उसके दो तरह के होते हैं लॉन्ग रन शॉर्ट रन लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है यू शुड नो दैट वर्टिकल का कंसेप्ट इन्होंने दिया था इट केम भी एडेक्टिव एक्सपेक्टेशन इट वज गिवन ए फ्रीड मैन ही सेट की इन शॉर्ट रन ओनली दैट इट इज़ पॉसिबल टू मेक ट्रेड ऑफ बिटवीन अनम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बट इन लॉन्ग रन देर इज़ नो ट्रेड ऑफ फिर लाइफ साइकिल हैपोथिस है लाइफ साइकिल हैपोथिस में ओनली फोर फीचर्स हैं आप देख लेंगे किंग्स का तो एवरीबडी नो कंजशन जो है फिर परमानेंट आपको कौन दिया था यह आपको पता होना चाहिए एंड मनी थिंग्स आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फ्री वीडियो कंटेंट एंड सम फ्री नोट्स ऑन द टेलीग्राम चैनल यू जस्ट सॉरी एंड दिस नविनोमिक्स एप यू जस्ट गो टू द नविनॉमिक्स ऐप ओके नविनोमिक्स एप डाउनलोड कर लें आप लिंक इज गिवन बिल एंड गो टू द फ्री सेक्शन मेटेरियल और फ्री मेटेरियल यू जस्ट गेट एवरी थिंग देयर नो निक टू वरी समथिंग्स आर देर समथिंग्स आर पेड जस्ट टू थ्री हंड्रेड रुपी का भी कोर्स है फॉर दिस बैच एंड नेक्स्ट बच इट विल भी वेरी लेट सी एट एनी कॉस्ट माई फी विल बी नियरली थर्टी फाइव हंड्रेड मैक्सिमम फॉर ट्वेंटी फोर बैच माई फोकस इज एफोडेबल एंड एफेक्टिव एजुकेशन कितने कम समय में आप कितना मैक्सिमम नॉलेज गेन करें दट इज देर या कोई ये बुक पढ़ रहा है वो बुक पढ़ रहा है कोई फायदा नहीं है ट्राई टू अंडरस्टैंड यू शुड मैक्सिमाइज द स्कोर फिर हमने ये देखा यहाँ पे सारे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस देख लेंगे डिटर्मिनेंस ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट देख लेंगे क्योंकि लास्ट ईयर से वन टू क्वेश्चन फिर मुंडल फ्लेमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको आप बेसिक देख लेंगे फिक्स्ड में एंड फ्लेक्जिबल में डीप में नहीं जाना है प्राइस वालिटी लिमिट में नहीं जाना है फिक्स प्राइस में देख लेंगे एक फिक्स एक्सचेंज रेट एंड फ्लेक्बल एक्सचेंज रेट में देख लेंगे यह वाला जो बीओ पी कर है दिस वाला ओके दिस इज योर बी लाइन डिप्रिसिएशन कहाँ होगा ऊपर रहने से क्या होगा नीचे रहने से क्या होगा कहाँ कहाँ पर कौन सा कर्व शिफ्ट करेगा और आई वुड से कि इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो है सी मॉडल इज ओके हैराडोमन मॉडल एंड सोलो मॉडल दे है वास बट यू शूड ऑल्सो नो कि कुछ नेट्स कर्व क्या है विशेष सर्किल ऑफ पॉवर्टी क्या है अनबैलेंस एंड बैलेंस ग्रोथ थ्योरी क्या है हु इन्वेंटेड दिस मैच द फॉलोइंग वाला बहुत आता है ये बॉक्स वाला ए बी बी सी सी डी वाला तो यू शूड नो एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड फ्री कंटेंट दिस वीडियो इज फ्री ऑन द स्टडी मटेरियल सेक्शन ऑन द माई ऐप नवीनॉमिक्स तो वहाँ पर आप जाकर स्टडी मेटीरियल सेक्शन में फ्री वीडियो यू कैन एक्सेस देर आराउंड सेवन एट फ्री लेक्चर्स जिसमें कुछ मैक्रो के हैं कुछ माइक्रो के हैं कुछ डेवलपमेंट के हैं सो यू कैन एक्सेस दैट देन कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई फाउंड इन स्टेटिस्टिक्स दिस टॉप टू दिस वाला कोललेसन से एंड मीन मीडियन मोड दिस इज ऑल्सो नॉन एज सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ओके सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज थेरी भी आते हैं से मीन मीडियम मोड और क्वेश्चन भी दे सकते हैं न्यूमरिकल बेस भी दे सकते हैं बेसिक न्यूमरिकल वन लाइनर टू लाइनर तो यह सारे जो हैं आप अवेलेबल हैं नवी नॉमिक एक्सपे ऐप पर जाएंगे कुछ नोट्स वहाँ यू विल गेट एंड एस पी गुप्ता से आप कर लेंगे विद इन आई थिंक टेन टू फिफ्टीन पेजेज़ में शॉर्ट शॉर्ट करके आप बना लोगे फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग में है हालांकि मुझे नहीं लग रहा है दे में आस्क हो दे में आस्क मीन मीडियम तो बेसिक आपको पता होना चाहिए अब किसी का मीन है तो उसको कैसे निकालते हैं आराम से इंटीग्रेट कर देंगे एक्स को जैसे वन टू टू निकालना है फिर वन टू टू करके एक्स को डिफरेंट इंटीग्रेट करके इसका रेंज लेके वन टू टू निकाल देंगे इट इज़ वेरी इजी इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन बेसिक आपको पता होना चाहिए प्लीज़ दिस ऑल आर आई एम डूइंग फॉर लास्ट फोर फाइव डेज प्लीज या जितना हो सके फास्ट आप कर लो कोरिलेशन डिग्रेशन में बेसिक आपको पता होना चाहिए कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव कोरिलेशन है कितना इसका रेंज होता है माइनस वन प्लस वन होता है आर का वैल्यू कब जीरो होता है राइट right? अनकोरिलेटेड होगा तो क्या क्या आर जीरो हो जाएगा इफ़ आर जीरो इज कैन इट बी सेड एज अनकोरिलेटेड सो हाउ इट इज इंटरडिपेंडेंट एंड ऑल सच थिंग यू शुड नो वेक्टर में कुछ नहीं है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है ये जो मैट्रिक्स वाला होता है ना ये वाला मैट्रिक्स टू फोर एट जितना भी वर्टिकल मैट्रिक्स है दीज आर नॉन एज इट्स इनफैक्ट वर्टिकल मैट्रिक्स मेर्ट, वैक्टर मैट्रिक्स ओके okay? मैट्रिक्स में और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर नहीं दिया हुआ यू कैन डू रैंक मैट्रिक्स के थोड़े टाइप्स पढ़ लेंगे थोड़े फीचर्स पढ़ लेंगे ठीक है डिटर्मिनास के भी दैट्स ऑल फिर बेसिक फंक्शन आप देख लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन तो मुझे नहीं लग रहा है लास्ट टाइम हाई वो वन क्वेश्चन देखने ना ब्लिस आई वुड से इसके इसके ऊपर ऊपर आप थ्री देख लो बिकॉज फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन आर वेरी इजी थ्री फोर क्वेश्चन सी आउट ऑफ मैथ्स अराउंड फाइव सिक्स क्वेश्चन कैन बी एसेप्ट एक्सपेक्ट थ्री वुड भी वेरी ईजी सो नो नीड टू वरी आई वुड सिंपली से और आपको इतना डिटेल में पढ़ने से क्या मतलब है आपको मार्क्स ज्यादा स्टोर करना है ना मार्क्स ना कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी में क्या करना है? आपको लास्ट फ्यू डेज़ में सी मैक्रोट्रेंड्स ये सब 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 बेसिक आएंगे जैसे नेशनल इनकम है तो हो गए दादा भाई नेहरोजी ने बुक लिखा था ट्वेंटी रुपीज़ पर इनकम था आई थिंक एटीन सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट में इनका बुक आया था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया ओके okay? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिटिश रूल इन इंडिया प्लीज़ रिमेंबर दिस बुक नेम फिर दादा भाई के अलावा और किरने किरौने दो तीन और थे इकोनॉमिस्ट का नाम यू प्लीज़ कमेंट सेक्शन दे हैव आल्सो गिवन द नेशनल इनकम कैलकुलेशन इन ड्यूरिंग दैट टाइम इन नाइनटीन सेंचुरी देन यू विल हैव एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में बेसिक रिफॉर्म्स पढ़ लेंगे लैंड सेटलमेंट पढ़ लेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ लेंगे परमानेंट सेटलमेंट हो गए रोदवार सिस्टम हो गए महलवारी सिस्टम हो गए हु गेव ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल ऑन बेसिक इंटरनेट जस्ट यू गूगल इट यू विल फाइंड एवरीथिंग थिंग हाँ उसके डिटेल में नहीं जाना है डेटा और फैक्ट्स को ज़्यादा नहीं रटना डेटा एंड फैक्ट्स आपको कौन कौन इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ नाइनटीन नाइनटी वन रिफॉर्म्स देख लेंगे एल पी जी रिफॉर्म्स दैन 2022 इको सर्वे एंड 2023 बजट एंड दीज ऑल इसका जो नोट्स है आप जाओगे मेरे नवीनोमिक्स ऐप पे ऐप लिंक मैं नीचे दिया हूँ वहाँ पे एक होगा स्टडी मटेरियल सेक्शन इन स्टडी मटेरियल सेक्शन आई हैव अपलोडेड ऑल फ्री नोट्स सो यू कैन एक्सेस ऑल दीज नोट्स नो प्रॉब्लम फिर उसके बाद टैक्सेशन में टैक्स के टाइप्स होने चाहिए टैक्स डिस्टॉर्शन होना चाहिए टैक्स के इंसिडेंस हैं कैन ऑफ टैक्सेशन है ऑप्टिमल टैक्सेशन है ऑप्टिमल टैक्सेशन में जब आप पढ़ोगे तो थो थोड़ा लैफर कर्व भी पढ़ सकते हो लैफर कर्व क्या होता है इस तरह से जो बनता है विथ टैक्स रेज विफ यू इंक्रीज द टैक्स रेट योर रेवेन्यू विल डिक्रीज फर्स्ट इट विल इंक्रीज देन इट विल डिक्रीज़ सो यू शुड नो दिस दैन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर इवेंट थ्री फोर क्वेश्चन वर्देर एटलीस्ट थ्री क्वेश्चन तो आएंगे ही अब इसमें आपको क्या करना है तो क्लासिकल ट्रेड थ्योरी है जिसको कि आप ट्रेडिशनल भी बोलते हो ट्रेडिशनल ट्रेड थेरी एक होता है न्यू ट्रेड थे ठीक है एन न्यू ट्रेड थ्री में मैनी पीपल ऑफ कोमेंटिंग कि वाट सर शुड बी रेड एंड वाट इज देयर सो न्यू ट्रेड थ्री में क्या होता है मेनली जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल की बात करते हैं और यह मेनली क्रुगमेन ने दिया था पॉल क्रुगमेन का है मान यहाँ पे इंटर ट्रेड हो जाएगा इंटर ट्रेड क्या होगा सी जनरली ट्रेड इज हैपनिंग कोई मोबाइल बेच रहा है और कोई सपोज दैट क्रिकेट बैट बेच रहा है सो देर इज अ ट्रेड बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज बट विद इन मोबाइल फोन if there is a possibility of industry that is called intra industry suppose that somebody is developing software somebody is developing hardware somebody is developing cover so all is within mobile industry but different level so this is called vertical okay vertical segregation ka current trade hota hai that is intra industry trade ab jo hai next इतना तो आपका revision हो गया खट 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 आप स्टाक से revision कर लिए कहीं पे देख लो मैं बता रहा हूँ revision के लिए बस तीन सोर्स रखो ज़्यादा नहीं रखो First तो आपने जो graduation में या B.A. में या कहीं भी class ले रखा होगा आपने नोट्स बनाया होगा फर्स्ट यू रेफर दैट सेकेंड यू रेफर यूट्यूब जस्ट यू गूगल एनी टॉपिक यूट्यूब जहाँ पे आपको पाँच से आठ मिनट का वीडियो मिल जाए फाइव टू एंड देन थर्ड गूगल प्लीज़ डोंट गो बियॉन्ड दिस अभी बहुत सारे बच्चे होंगे कोई कोर्स बेच रहा होगा मेरा नोट्स ले लो मेरा क्लास ले लो नो प्लीज डोंट आई वुड से इवन डोंट बाई एनी कोर्स डोंट गो टू बाई एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट नोट्स एनी इंक्लूडिंग नवीनॉमिक्स प्लीज नॉट इट्स वेरी लेस टाइम यार थ्री फोर डेज बचे हैं प्लीज़ डोंट बाय आंटीस यू आर कंफर्टेबल आई वुड से हाँ जिन बच्चों को इंडियन इकोनॉमी में प्रॉब्लम है इंडियन इकोनॉमी का कोर्स भी काफी लेस है टू थ्री हंड्रेड रुपीज़ अभी है उसमें करीब सेवन एट लेक्चर्स हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गेट दट बिकॉज विद इन सिक्स आवर्स यू कैन कंप्लीट ऑल द लेक्चर्स ऑल सेवन लेक्चर्स एंड यू विल हैव फेर इन एफ आइडिया एंड आई डोंट थिंक उससे बियंड इंडियन इकानॉमी आएगा इंडियन इकॉनमी का मैंने एक नोट्स अपलोड कर रखा यू प्लीज चेक आउट देर द फ्री मेटीरियल सेक्शन ऑफ माइ एप यू विल गेट देयर तो प्लीज वहाँ से रिवीजन कर लेंगे और लास्ट वर्ड्स मैं बता दे रहा हूँ आप बिफोर द एग्जाम दिस वुड बी प्रोबेबली लास्ट वीडियो क्या करना है आपको ना कोई भी टॉपिक कर रहे हो तो उसके फर्स्ट दो लाइन पता होना चाहिए जैसे मैंने गूगल किया मर्केंटलिज्म ठीक है मर्केंटलिज्म का क्या आइडिया है व्हाट वाज देयर थ्योरी दैट्स इट फिर मैंने क्लासिकल पढ़ा क्लासिकल में क्या एजम्पन्स थे क्लासिकल तो डाटा डिटेल में हो गया कौन गया हु आज द फादर ऑफ क्लासिकल व्हाट वाज द इकोनॉमिस्ट एसोसिएटेड विद दैट क्योंकि मैनी टाइम्स इट इज आस्क्ड दैट सी हाउ दे गिव दिस इज योर ए सॉरी हाँ सपोज दैट दिस इज योर Uh, they are they are asking like this is A and this is B. So here they will write John Moot, Adam Smith, Ricardo, and here they will write economist name Marshall. Okay, and in B section they will write classicals, neoclassicals, uh Keynesians, neo keynesians So you know the basic idea, then you can match it the following is minimum to four five questions match the following fearing. I am expecting it is not very sure. फिर इसके बाद क्या करना है वंस यू आर डन विद ऑल दिस थिंग्स देन यू आर सपोज टू फोकस ऑन रिविजन फैक्ट्स रिविजन ऑफ फैक्ट्स रिविजन ऑफ फैक्ट्स मेनली इसमें आते हैं इंडियन इकोनॉमी अब इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या करना है सी पी आई हु प्रिपेयर डब्ल्यू पी आई हु प्रिपेयर सी पी आई आर बी आई का मोनिट्री पॉलिसी क्या है फिजिकल पॉलिसी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देन सम टॉपिक्स रिलेटेड टू दैट लाइक फिजिकल ड्रैग क्या होता है वाट इज फिजकल ड्रैग ओके वाट इज़ डी कपलिंग ऑफ ग्रोथ डिकपलिंग ऑफ ग्रोथ एंड इन बजट एंड सर्वे टू डेटा आपको इंपॉर्टेंट है एक तो सेक्टर वाइज शेयर ऑफ जीडीपी डी शेयर ऑफ जीडीपी सेक्टर वाइज प्राइमरी सेक्टर में क्या है इट इज़ नियरली ट्वेंटी परसेंट आपको फेयर आइडिया होना चाहिए सेकेंडरी सेक्टर में क्या इट इज़ नियरली ट्वेंटी फाइव परसेंट एंड थर्ड सेकेंडरीज दट इज सर्विस सेक्टर नीयरली फिफ्टी फेयर आइडिया भी आपको रहेगा तो यू कैन डेफिनेटली टीक द करेक्ट एंसर आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा आपको और जो फोकस एरिया कहाँ पर करना है आपका नेक्स्ट फोकस एरिया होना चाहिए फिजकल इंडिकेटर्स पे फिजिकल इंडिकेटर्स फिजिकल इंडिकेटर्स में क्या आ जाएगा आपका बजट uh, डिफिजिट कितना रहा रेवेन्यू डिफिजिट कितना रहा फिजिकल डिफिजिट कितना रहा ओके एटलीस्ट लास्ट टू ईयर्स का लास्ट ईयर एंड एक्सपेक्ट दिस रनिंग ईयर एंड एक्सपेक्टेड जो बजट में था सो इफ यू आर गोइंग टू डू इज टू ना आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ट्रस्ट मी आई यू कैन डेफिनेटली रॉक सो आई होप कि दिस 15 मिनट्स वाज वेरी फ्रूटफुल टू एंड वॉट एवर आई सजेस्टेड यू ना डू इट एटलीस्ट टू एल आवर्स टूएल आवर्स डे एटलीस्ट यू शूड रीड एंड लास्ट टाइम मे यू विल डेफिनेटली रॉक इट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड आई हैव ऑल्सो आई मेन प्रोवाइडेड डिस्कसन ग्रुप प्लीज डोंट डिस्कस दैट मस जस्ट आस्क एनी डाउट इफ यू हैव सो दैट अदर पीपल कैन हेल्प एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो यार अपने फ्रेंड्स के बीच थोड़ा शेयर कर दें सो दट कि जो भी लोग पैनिक होंगे उनको कुछ थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आई एम पुटिंग माई ऑल द एफर्टर्ट्स सो दट कि आपको किसी प्रकार का डाउट ना आए चलिए मैं मिलता हूँ अब अगले वीडियो में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें और यहाँ पर जो हमने सिलेबस की बात करी है यहाँ पे सिलेबस इस तरह से हम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं वेरी फास्ट एंड मैं आपको लास्ट चॉइस यह दूंगा प्लीज़ डोंट गेट स्टक जैसे कोई टॉपिक है अब कोई कंपनसेटिंग वेरिएशन और इक्विवेलेंट वेरिएशन नहीं समझ रहा है दे आर नॉट गोइंग टू आस्ट डायग्राम सिंपली यू शुड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है कहीं प्राइस बढ़ रही है कहीं प्राइस घट रही है हिक्सियन में क्या हो रहा है हिक्सियन इज सेम की यूटिलिटी विल बी सेम सिलस्की क्या हर रहा है सिलस्की प्राइस इफेक्ट की बात कर रहा है फिर प्राइस प्राइस मीन्स की डिफरेंट इन डिफ्रेंस जाएंगे आ जाएंगे यहाँ पर जो इन करवाएगा ना डिफरेंट डिफरेंट थ्री इन कर बट इन हेक्सचेंज जो है ओनली टू इन करवाएंगे तो इस तरह के बेसिक आपको पता होना चाहिए इफ यू डोंट नो दैट मज डिव नो प्रॉब्लम यू हैव टू स्कोर हाई यार हमें मार्क्स अधिक लाने हैं हमें वहाँ ये नहीं प्रूफ करना है मैं ये पढ़ाऊँ मैं वो पढ़ाऊँ नो सी बेसिक लॉजिक आई एम टेलिंग यू सपोज दैट यू गॉट एनी क्वेश्चन एनी मैथेमेटिकल क्वेश्चन और एनी न्यूमरिकल क्वेश्चन दैट इज ऑफ फोर मार्क्स एंड समबड़ी नोज लाइक हु रोट इन प्राइस एंड इन

देन थोड़ा सा मनी मल्टीप्लायर एंड मल्टीप्लायर जनरल मल्टीप्लायर कर लेंगे कैंसिन मल्टीप्लाइट जो होता है डिमांड बेस्ड सी इक्वल्स टू आई प्लस जी प्लस ये वाला एक्स एन वाला ठीक है ये वाला कर लेंगे एंड आई एस एल एम का बेसिक देख लेंगे बेसिक आपको पता होना चाहिए और माइक्रो में जो है यूटिलिटी बेस्ड थोड़ा सा देख लेंगे कॉस्ट बेस्ड थोड़ा सा देख लेंगे और आपको यहाँ कुछ नहीं करना एच एल आहूजा का बुक खोलिए यू प्लीज ओपन द होजा एंड सी द एग्ज़ाम्पल ऑफ दैट सिट और थोड़ा सा इफ़ टाइम अलाउज तो आई वुड से कि मार्केट का आप एटलीस्ट मुनापली वगैरह का मोनोपली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन का न्यूम्रिकल कर लेंगे सो दिस इज गोइंग टू भी डेफिनेटली हेल्प यू तो चलो आई होप कि दिस वीडियो वॉज फ्रूटफुल टू यू दिस इज द बेस्ट आई कैन गिव यू एंड प्लीज़ हैव फेथ इन मी कि वाट एवर आई टोल डू डेफिनेटली क्वेश्चन विल कम फ्रॉम देर ओनली आई एम नॉट सोइंग की यही तुम करो ही करो हाँ इट्स ऑल अप टू योर विश कि इफ यू हैव डन विद दिस ऑल दिस सिलेबस देन यू शुड गो बॉन्ड बई वुड सिंपली से कि यार मिनिमम तो इतना करके ही जाओ और आई एम सेंग कि इफ यू आर स्कोरिंग एटलीस्ट वन फिफ्टी प्लस ना टोटल मार्क्स इज इफ वन फिफ्टी प्लस टोटल स्कोर आपको एटलीस्ट मतलब टॉप फाइव के जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो आपको मिल जाएगी इन इकोनॉमिक्स बी एच यू वगैरह में एडमिशन होने का चांस है एच सी यू में भी होने का चांस है एच में लास्ट टाइम ओ बी सी का कट ऑफ गया था आई थिंक वन सिक्सटी वन सेवन वन सेवेंटी के अप्रॉक्स तो यू कैन गेट देयर तो आई वी सी ऑल द बेस्ट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉरी फॉर योर टाइम बट दिस टाइम इफ यू यूटिलाइज इट यू कैन मेक दिस एटीन मिनट्स ऑफ वीडियो विल बी इन ऑफ मोर प्रोडक्टिव और मैं आपसे मिलूंगा अगले ही नए वीडियो में नई ऊर्जा के साथ मोस्ट प्रॉबली जब आपका एग्जाम वगैरह हो जाएगा तो क्वेश्चन का हम लोग पेपर डिस्कशन करेंगे कट ऑफ वगैरह बताएंगे कि कैसे कट ऑफ वगैरह हो सकते हैं क्या पेपर के नेचर है क्या टफ है सो दैट यू कैन बी वेरी प्रिडिक्टेबल अबाउट गेटिंग विच इन इंस्टीट्यूट एंड लास्ट टाइम मैं बता दे रहा हूँ आपको पार्ट बी पहले करना है इन द एग्जाम हॉल पार्ट बी दैट इज द इकोनॉमिक्स डोमेन यू सिज फर्स्ट फोकस ऑन एंड पार्ट ए पीपल हु हैव नॉट प्रिपेयर फॉर पार्ट ए प्लीज डोंट फोकस ऑन दैट मच पार्ट ए जस्ट बेसिक जो है पी वाई क्यू एक बार आप कर लेंगे लास्ट ईयर के पी वाई क्यू जस्ट डू वंस और अब नहीं पार्ट ए का टाइम नहीं है हियर एटलीस्ट यू शुड गिव ट्वेंटी मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स एट द एंड ऑफ एग्जाम एंड इनिशियल जो है एटलीस्ट हंड्रेड मिनट्स वन ट्वेंटी मिनट्स का एग्जाम है दैट इज अ टू आवर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो यू प्लीज फोकस ऑन दैट पोर्सन सो होप इट वॉज वेरी फ्रूटफुल ये अपने फ्रेंड्स को आप बताएँ क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं पार्टे में टाइम पास करके रह जाते हैं आप कोई मैथ्स बना रहे हो कोई रिजनिंग सॉल्व कर रहे हो आपका टेन मिनट्स चला गया इन वन क्वेश्चन प्लीज डॉट गेट स्टेक मूविंग ऑन इज द बेस्ट आप कुछ भी लाइफ में करो बिजनेस कर रहे हो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है या फिर कहीं पर रिजल्ट नहीं हो रहा है कुछ भी कर रहे हो ना एक एटीट्यूड हमेशा लाइफ में रखना मूव ऑन मूव ऑन समाइम्स हेल्प यू टू कीप गोइंग ओके मूव ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पीपल टेक इट की नेगेटिव है रे यार कुछ नहीं कर पाया अरे लेट्स स्टिल मूव ऑन मूव ऑन क्या है ना आपके जो जीवन में वो आ गया है स्टक वो आपको आगे दिखाएगा कोई बात नहीं एक क्वेश्चन को लेकर मैं ट्वेंटी मिनट्स टेन मिनट्स क्यों बर्बाद करूँ इन टेन मिनट्स टेन क्वेश्चन आई कैन सॉल्व आई कैन गिव गुड मार्क्स एंड मेक श्योर कि आप क्वेश्चन को सारे अटैप्ट करें या ना करें एटलीस्ट गो थ्रू वंस हु नोज की लास्ट में क्वेश्चन नंबर सपोज दट एट्टी या एट्टी फाइव जो है 95 you could not reach 95 but 95 very easy tha, poor out wealth of nation you did not see so please see at least all question okay have faith in yourself whatever you have read na, think the question will come from here only thank you for giving your 20 minutes i hope it will turn uh, into your good results wish you all the best guys and see you soon with uh, with more vigor and please you can tell your juniors to follow our channel, subscribe our channel, and visit our Navi app, so that since beginning they could get the right direction. Okay? Because in market people are so many things. Because I know education has become the business, but my see you can do ethical business, you can do social entrepreneurship, right? So while you are focusing on your business, at the same time you can give society back. So I request you humbly, you please share this video among your juniors also in coming days, and I wish you all the best. Bye bye, see you soon in the next video, guys.